तो गाइज मैं आज आपको एक वीडियो को एडिट करने सिखाऊंगा काइन मास्टर के थ्रू। आप भी इस वीडियो को देख के आसानी से काइन मास्टर को यूज़ करना सीख जाएंगे। अगर आप एक नई यूट्यूबर है तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा मेरे ख्याल से। तो फिर चलिए देखते हैं मैं कैसे एडिट करता हूँ अपनी वीडियो को काइन मास्टर के थ्रू। तो मैं काइन मास्टर पहले ओपन करता हूँ। ये काइन मास्टर एक वीडियो एडिटिंग ऐप है। अगर एस्पेक्ट रेशियो पूछ रहा है तो हमें 9:16 क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे वीडियो बनानी है वो पूछ रहे हैं। तो हम वीडियो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मीडिया में जाएंगे। तो इधर हमारी वीडियो कहाँ पर हैगी हमारे उसको पहले चूज़ करना है। वीडियो मेरे कैमरा में है कि मैं देखिए मैं कैमरा से इस वीडियो को टच कर लेता हूँ। फिर तो मैंने इधर वीडियो अपने टच कर ली हैगी। देखिए मेरी पूरी वीडियो आ चुकी हैगी। चलिए मैं इस डंडे को यहां से पकड़ लूंगा और इस बम को कोई बंदा उधर से ऐसे जला देगा, फिर ये आदम फूट जाएगा। और गाइस देखिए आगे क्या होता यहाँ से है। लेकर यहाँ तक का कट करना है। तो मैं इसको कैसे करूँगा सबसे पहले, यानी कि आपकी वीडियो सिलेक्ट है अभी, येलो बॉर्डर आ गया, अब सिलेक्ट आ गया। वापस से कुछ भी एडिट कर सकते हैं, साउंड का, कटर का, क्रॉप का रेशो कुछ भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके मैं यहाँ से देखिए पहले मैं कैंची जो बन रखी है यहाँ से ट्रिम करने के लिए इधर ट्रिम कर रहा हूँ। ओके हेड से जो राइट रेड रेड से जो दिख रहा है इसके लेफ्ट का, अगर हमें ट्रिम करना है पूरी वीडियो लेफ्ट की कट करनी है क्योंकि वो शुरुआत का खराब पार्ट था, तो मुझे वो हटाने के लिए वो मैंने यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। देखिए मैं लेफ्ट वाले पे दबा रहा हूँ तो देखिए अब उधर का पूरा हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। वो पीछे का वो हट गया है यहाँ से, से लेफ्ट का या फिर इधर पूरे से राइट पार्ट का पूरा एक साथ में कट कर सकते हैं या फिर लेफ्ट का पूरा एक बार में कट कर सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट का कट करना अभी आपको बता दिया। मैं बता रहा हूँ कि देखिए सेंटर से कैसे कट करेंगे। अगर आपको वीडियो लेफ्ट और राइट से कट ना करते हुए अगर आपको कोई वीडियो अगर आपको सेंटर से कट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए आपको पहले जहाँ से वीडियो कट करनी है कि पहले उस पॉइंट पर ले जाइए प्ले हेड को, इसे प्ले स्प्लिट हेड प्ले हेड लिखा है, यानी कि सेंटर का पार्ट को कट करना है। तो मैं सेंटर वाले पार्ट पे जाके देखिए अब हमारी वीडियो दो पार्ट में हो गई है कि, और अगर मान लो वो गलती से हमारा लेफ्ट का कट हो जाए कुछ ऐसा गलत हो जाए जो हम नहीं करना चाहते थे, तो यहाँ पर ये जो ये ऊपर ये दिख रहेगा ये राउंड रोटेट वाला साइन दबा के वापस भी आ जाएगा, जिसको देखिए हमने कट किया था। एक वापस म्यूजिक म्यूजिक हमारा आ ऐड चुका करना हो तो वहाँ पे ऑडियो से कर सकते हैं। ऑडियो पे जाएंगे तो यहाँ पर कोई सा भी आपको गाना आपको अपने प्लेलिस्ट का कोई सा भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको म्यूजिक एसेट जैसे काइन मास्टर की अपनी खुद की म्यूजिक एसेट्स होती है कि आप उनसे भी इधर डाउनलोड करके इस पे ऐड कर सकते हैं कि अपने वीडियो में। देखिए मेरा ये फेवरेट है तो मैं इसको करता हूँ। देखिए इस म्यूजिक को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे इस प्लस के साइन से, ये अभी ऐड हो चुका है। तो देखिए ये कितनी बड़ी वीडियो ऐड हुई है मेरी, हमको इस थोड़ा डंडे में लटका कम दूंगा। कर। ओ माय देखिए इसके आवाज़ बहुत ही तेज़ थी। अब जो हमने ऐड किया है ऑडियो को हमें इसको आवाज़ थोड़ी कम करने के लिए, इसकी आवाज़ चलिए कम करते पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए सिलेक्ट करने के लिए जो ऑडियो आ रहा है इस पर जाएंगे, इसकी आवाज़ हम कम कर देंगे जितने हम चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखते हैं मैं 10-12 पर करता हूँ। ओके अब सुनेंगे माय गॉड घूर के। देखिए चलिए तो बहुत ही मैं आवाज़ इस धीरे हो डंडे को चुकी यहां है। से पकड़ लूंगा। इसके ऊपर कुछ लेयर लगानी होगी तो वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे मेरे को इधर पे लेयर लगानी है, मेरे को लेयर लगानी है कि किसी भी चीज़ की, मेरे को एक इमेज ऐड करना है इधर इधर कोने पे, मेरे को इमेज ऐड करना है या फिर टेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं कुछ, अगर आपको नॉर्मली इफेक्ट लाना है वो सब आप यहाँ से ला सकते हैं। तो अभी पहले मैं मीडिया में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को जो सी फोटोज़ वीडियो में अपनी ऐड करनी है कि वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरे को ये फोटो अपनी ऐड करनी है, इसको मैं साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ और यहाँ से इसको हम रोटेट कर सकते हैं इस कर्व वाले से। ओके तो मैं यहाँ पर ये कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसको देखिए इसको थोड़ा अगर ब्लर करना होगा पीछे में इस इमेज को थोड़ा सा हल्का सा ब्लर में, तो यहाँ ओवर वो भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्रॉपिंग पहले करेंगे, इस मास्क को ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसका शेप देखेंगे, इसके कॉर्नर कॉर्नर लूँगा यहाँ पर इसको कैसे में करना है। देखिए ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पीछे का ब्लर हो रहा है, तो वो कितने तक का करना है वो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना। अब इसको मैं कहाँ पर लगाऊंगा, इसको अगर हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं अपनी इमेज को किधर लगानी है कि कौन से पार्ट पे लगानी, तो मैं इसको एंड में लगा रहा हूँ। तो देखिए अब एंड में आ चुकी है ये हमारी। अब मेरे को यहाँ पे अगर कुछ रिटर्न में कुछ लिखना होगा तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। फॉर
रेटिंग पर्पस, ठीक है सर मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। अब यहाँ से मेरे को रिटर्न में इसका क्या कितना करना है, इधर से मैं भी इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसका कलर भी आपसे मैं चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं देखिए, मैं ग्रीन में ले लेता हूँ, येलोनिश ग्रीन में। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसका ऐड कर दिया। इसके मैं राइटिंग भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, राइटिंग की लैटिन में भी इतनी सारी है। एक क्रिप्स्टर में लेता हूँ मैं, ये मॉन्स्टर टाइप लगता है क्योंकि। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको ये नॉर्मल एडिटिंग मैंने आपको सिखा दी है कि तू कह रहा जल गया। आराम से भाग जा तो गाइस ये ले पकड़, इसको पकड़। देखिए मेरी पूरी वीडियो एडिट हो चुकी है 1 मिनट और 14 सेकंड की। अब मुझे इसको सेव कर लेना, तो देखिए मैं सेव कैसे करूँगा। सेव करने के लिए मुझे सबसे पहले ऊपर जो है इसका ये वाला साइन दिख रहा है, इस पर जाना होगा। इससे मैं गया, तो ये देखिए हमारी यहाँ से सेव कर लेंगे। हमारी कौन सी वीडियो, अनटाइटल 10 वाली वीडियो थी, इसको सेव करेंगे। पहले हम इसको यहाँ से रीनेम कर देंगे, या रीनेम, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैम्पल। और देखिए अभी सेव करने के लिए जो शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है शेयर का, इसे मैं टच कर दूंगा। अभी यहाँ से देखिए, हमें यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ पे बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको यहाँ पे कैसी वीडियो की क्वालिटी कैसी रखनी है, तो इसे डिसाइड करता है जो बिट रेट है का। इसको हम जितना हाई करेंगे उतनी क्वालिटी आपकी बेस्ट रहेगी, लेकिन बेसिक आप 3 MB तक की रखेंगे तो वो भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। ऊपर से आप इधर से आप क्वालिटी पिक्सल कैसे होगा, 1080 में कर देता हूँ, और इसका आप 30 MB रहने दीजिए। यहाँ से मैं आपको इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। देखिए एक्सपोर्ट कर देंगे, ये इस ऊपर से स्किप कर दीजिए। ओके, तो आपसे वीडियो एक्सपोर्टिंग, हमारी एडिटिंग पूरी हमारी सेव हो रही है। ओके, तो देखिए आप पर ये हमारी वीडियो पूरी एडिट हो चुकी है, यहाँ से प्ले करके देख लीजिए। हमको इस डंडे में लटका दिया है, लाइक चलना। देखिए हमारा तो वीडियो बन चुकी है कि मैं आपको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ।